गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एचआईवी एड्स को कंप्लीट किया था और साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने एमएसी मॉलिक्यूल यानी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा था। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिकॉग्निशन के लिए, डैट मीन्स कि कौन हमारा बॉडी का सेल्फ सेल है और कौन नॉन सेल्फ सेल है, उसके रिकॉग्निशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वो अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं जानना है, एमएससी मॉलिक्यूल, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइंस। तो जो इंटरफेरॉन वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा हमने बताया था कि इंटरफेरॉन जो है, जब किसी हमारे बॉडी के सेल में वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो अपने नजदीकी सेल को बचाने के लिए एक केमिकल का सेक्रेशन करता है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ साइटोकाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, अब आगे का हम लोग एचआईवी एड्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनो सप्रेशन, इसी के बाद इसी में वो टॉपिक चलेगा एंड इम्यूनो सप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि जब हमारे बॉडी में कोई एक ऑर्गन या टिश्यू डैमेज या इंजर्ड होता है तो उसको रिप्लेस करके यानी उसको हटा करके किसी डोनर से सिमिलर सब्स्टिट्यूट करना, यानी सिमिलर ऑर्गन या टिश्यू को ला करके लगा देना किसी डोनर के बॉडी से, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब रिमूवल ऑफ डैमेज एंजियोड टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम बॉडी ऑफ ए पर्सन। तो रिमूवल ऑफ डैमेज ऑब्लिक एंजोर्ड, यानी कि जो हमारे बॉडी का टिश्यू या ऑर्गन जो है वह एंजोर्ड हो चुका है, एंजोर्ड टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम बॉडी ऑफ पर्सन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन बाय सिमिलर टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम ए डोनर। तो किसी डोनर से सिमिलर टिश्यू ऑर्गन को ला करके सब्स्टिट्यूट कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले सक्सेसफुली दी फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाज किडनी ट्रांसप्लांट बाय जॉन केली एंड ह्यूम। इंडिया में पहला किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किडनी के रूप में सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में यानी चेन्नई से लगभग
3 to 4 आवर अलग दूसरा सिटी है जिसे सीएम ये वेल्लोर के नाम से जानते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है जिसे सीएमसी कहते हैं। इन इंडिया फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट इन सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी का मतलब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में आता है। एक्चुअल में ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद में कर्नाटका स्टार्ट होता है। अब देखो टाइप और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करते हैं वो एक्चुअली 4 टाइप्स से करते हैं, यानी जो डोनर और रेसिपिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसके बेसिस पर ये 4 टाइप्स के हैं। बहुत लंबा थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में सीधे हमने दे दिया टाइप्स। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट इज 4 टाइप्स, इतना की जरूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। जैसे सबसे पहले देखिए ये 4 टाइप्स में बटा हुआ होता है, यानी कि जो ऑर्गन रेसिपिएंट और डोनर के बीच का जो रिलेशन होता है वह 4 टाइप से है। तो जैसे सबसे पहले ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ का मतलब हमारे ही बॉडी के किसी एक टिश्यू या ऑर्गन को हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग ऑटोग्राफ। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है स्किन के बारे में, यानी बॉडी का कोई एक पार्टिकुलर स्किन अगर डैमेज हो गया है चेहरे का या हाथ का जो एकदम सामने दिखाई पड़ता है, तो बॉडी के दूसरे पार्ट के स्किन को ला करके उसके ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो वैसे ट्रांसप्लांटेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट सबसे सक्सेसफुल और सबसे सेफेस्ट होता है। तो ग्राफ्टिंग ऑफ ओन बॉडी टिश्यू और ऑर्गन टू अदर पार्ट, इट इज मोस्ट सक्सेसफुल। सेकेंड में आइसोग्राफ, आइसोग्राफ में ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन ट्विन ब्रदर और सिस्टर। तो इसमें क्या हुआ कि ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ वह ट्विन्स ब्रदर और सिस्टर में हो गया। तो ऐसा इसमें क्या फायदा होता है, इसमें फायदा ये होता है कि रेसिपिएंट एंड डोनर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। तीसरा है एलोग्राफ, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एंड द लास्ट है जेनोग्राफ।
ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ट्रांसप्लांटेशन हो गया। अब आइए इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है जो ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, खास करके टी सेल मेडिएट इम्यूनिटी को लो कर देता है, यानी कम कर देता है, जिसके वजह से ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस जो है वह कम कर हो जाते हैं। तो वैसे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग का हम लोग, जैसे सबसे ज्यादा हम लोग साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन जो है वह टी सेल के एक्टिवेशन को स्लो कर देगा या खत्म कर देगा, जिसके वजह से ऑर्गन का रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो वैसे ड्रग का जो हमारे इम्यून सिस्टम को के टी सेल के इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे, सप्रेस का मतलब कम कर दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनो सप्रेशन। द ड्रग दैट आर यूज टू प्रिवेंट, इससे लिखते हैं ड्रग दैट आर यूज टू, ड्रग दैट आर यूज टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन बाय बाय सप्रेशन ऑफ सप्रेस कर देगा, टी सेल को सप्रेस किया इस तरह से। देखिए जैसे इसके एग्जांपल है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय ट्राइको डर्मा, ट्राइकोडर्मा ये जो फंगाई है, ये आपको फंगाई के टॉपिक में भी हम आपको बता चुके हैं, ट्राइकोडर्मा फंगाई में भी आ चुका है, पूरा नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो ये इसका यूज करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी हार्ट के, हार्ट ट्रांसप्लांट में, फिर आपका किडनी ट्रांसप्लांट में, या लीवर के ट्रांसप्लांट में, ये सभी इस तरह के ट्रांसप्लांट में हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब हम लोगों को ये यहाँ पर इम्यूनोसप्रेशन और हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंसर, तो हम लोग अब कैंसर के बारे में देखेंगे क्या है कैंसर।
our next topic is कैंसर। बहुत नाम सुना होगा कैंसर के बारे में, बहुत लोग जानते हैं क्या है, ठीक है। तो कैंसर को हम लोग सिंपली एक तरीके से समझते हैं कि अनकंट्रोल या अनरेगुलेटेड ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर, जिसमें एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ट्यूमर का मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ, वही ट्यूमर हम लोग कहते हैं। और ट्यूमर इज द प्राइमरी सिम्टम्स फॉर कैंसर। और ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस बट ऑल कैंसर हैव ट्यूमर। तो पहला बात तो इतना ये हम लोग समझ गए। तो कैंसर एक अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे तो बहुत ही यह व्यापक बीमारी में से एक था। और दूसरा कि आप जानते हैं कैंसर कौन से डिजीज में आता है, तो कैंसर नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, यानी किसी एक पर्सन को कैंसर अगर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ रहने वाले को भी कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर जो है वह ऐसी बीमारियों में से एक नहीं है। तो एबनॉर्मल, अब आइए देखते हैं इसका कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल growth of control growth of cell of cell called for cancer cell which invade to damage normal tissue। तो कैंसर का सबसे पहला जो एक प्राइमरी जो बात आई हमारे सामने, या एक तरह का एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का। इसमें पहला सिम्टम यानी पहली बात तो ये होगी, जब अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो डैमेज करेगा किसको, तो हमारे नॉर्मल सेल या टिश्यू को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। किसको, यानी जो सराउंडिंग जो भी होंगे उसको। अब कैंसर सेल जो है वो डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल, एक बात, कैंसर सेल differ from normal cell। कैसे कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो कहने का मतलब हम डिफरेंस अभी उस तरह से बात के नहीं देख रहे हैं, बट कैंसर सेल जो है वो नॉर्मल सेल से डिफर करता है वो किस बेसिस पर। तो नॉर्मल सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, देखिए अगर ये हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टिश्यू है और इस टिश्यू में इस तरह से बहुत सारे सेल हैं, ठीक, ये सेल और ये सेल आपस में कांटेक्ट बनाए हुए हैं जिसे सेल कांटेक्ट कहते हैं। ये सेल तभी डिवाइड करेगा जब इस सेल को डिवाइड करने के लिए स्पेस मिलेगा, और वो स्पेस कौन नहीं दे रहा, तो ये सेल नहीं दे रहा। अब मान लो कि ये सेल पुराना हो गया है, ये सेल मर गया, तो अब मर गया तो यहां पर स्पेस बना, जब स्पेस बनेगा तब ये सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेगा। बात को समझिए, इस चीज को कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से एक नॉर्मल सेल आसानी से तुरंत डिवाइड यानी अनवांटेड ग्रोथ नहीं कर सकता है। जब जरूरत होगी तभी ग्रोथ करेगा। जरूरत कब आएगी, कहने का मतलब हमारे पास ये मार्कर काम कर रहा है, ठीक, तो हम नया मार्कर तभी खरीद के लाएंगे जब ये काम करना बंद कर देगा। एक ये बात हो गई, और दूसरा बात हो गया कि हमारे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो इस मार्कर के खराब होने के पहले हम 10 मार्कर खरीद के लेके आ गए। तो यहां पर एक सेल डैमेज होने के पहले ही सैकड़ों सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, तो वैसे सेल को हम लोग कैंसरस सेल बोलेंगे। जिसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होगी वैसे सेल को हम लोग नॉर्मल सेल बोलेंगे। तो नॉर्मल सेल सो नॉर्मल सेल सो तो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दैट इज वन सेल कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल। ठीक, विच इनहिबिट अनवांटेड अनवांटेड ग्रोथ, जो क्या करेगा उसकी अनवांटेड ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ को यह कंट्रोल करता है। लेकिन ये कैंसर सेल में नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा, बट इन कैंसर सेल सेल नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी सेल ग्रो इन इरेगुलेटेड या अनकंट्रोल्ड, इरेगुलेटेड या बट इन कैंसर सेल नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड सेल ग्रो इरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड। और इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, इसी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को या प्रोलिफरेशन को हम लोग कहते हैं, यानी कि जब ये कंटिन्यू डिवाइड करते चला गया तो इसमें ट्यूमर का, यानी अनकंट्रोल होगा तो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। और वही ट्यूमर, तो ट्यूमर अभी हम क्या बोले थे कि कैंसर में प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में, यानी सभी ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं बट सभी कैंसर में ट्यूमर होता है। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट, इसका एक सिम्टम्स में से एक है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। अब यहीं पर ये चीज अनकंट्रोल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर, अनकंट्रोल ग्रोथ इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर आर ट्यूमर आर टू टाइप्स, ट्यूमर जो है वह टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये दो अलग अलग ट्यूमर हैं, दोनों ट्यूमर के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ट्यूमर कौन सा हो गया, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब हो गया कि जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वह सिर्फ साइट ऑफ ओरिजिन पे प्रेजेंट होगा, यानी वो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ट्रेवल नहीं करेगा, माइग्रेट नहीं करेगा, वैसे ट्यूमर को हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और इसी को नॉन कैंसरस
ट्यूमर भी कहते हैं। ट्यूमर आर प्रोलिफरेट प्रोलिफरेट एट द साइट ऑफ ओरिजिन एंड इट डज नॉट माइग्रेट टू does not migrate to other body part. It is non-cancerous. It is non-cancerous and curable. अब दूसरा ये सेकेंड में बिनाइन के बाद में सेकेंड जो ट्यूमर है वह है malignant. यह हो गया malignant ट्यूमर या इसी को कहते हैं कैंसरस ट्यूमर। इसमें सबसे पहले तो स्लोली ग्रोथ होगा, ठीक है, सेल या टिश्यू का यानी ट्यूमर का, एंड नो सिम्टम्स नोटिस। इसमें कोई सिम्टम्स नोटिस भी नहीं होंगे शुरू में, स्टार्टिंग में, बट ऑन लैटर फेज, तो जिस फेज में स्लोली ग्रोथ होता है और कोई नोट सिम्टम्स नोटिस नहीं होगा उसको कहते हैं हम लोग लैटेंट स्टेज। एंड देन उसके बाद में लैटर में वेरी फास्ट यानी क्विकली जो है उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होगा और वह ट्यूमर जो है हमारे बॉडी के ब्लड और लिम्फ के थ्रू माइग्रेट करेगा बॉडी के दूसरे पार्ट में। जैसे यहां पर ये माइग्रेट टू, इट डज नॉट माइग्रेट टू बॉडी अदर पार्ट, लेकिन ये इसमें जो है वो माइग्रेट करेगा। पहला सिम्टम्स इसमें यही है कंडीशन कि जब ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट करेगा तो उसको कहते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। स्लो ग्रोथ and no symptoms notice in earlier stage this stage is known as latent stage, but later tumor grow quickly and migrate to body other part by blood and lymph. This stage is called
मेटास्टेसिस। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। एंड ये जो कैंसर, ये जो ट्यूमर हुआ, ये एक्चुअल कैंसरस ट्यूमर हुआ। दिस इज द एक्चुअल कैंसरस ट्यूमर और ये एक्चुअल में कैंसरस ट्यूमर है। इसमें जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता ही है और हमारे बॉडी को इससे ज्यादा हार्म होता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आइए कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कैंसर सेल में आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे पता करते हैं कि यह कैंसर का सेल है, यानी अनकंट्रोल ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसके लिए भी कुछ सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। आजकल सर्दी, ये छींक और खांसी बहुत खतरनाक है। एक मूवी में डायलॉग है कि मुझे तो डर थप्पड़ से नहीं लगता है साहब, प्यार से लगता है। उसी तरह लोग कहेंगे कि डर किसी दूसरे बीमारी से नहीं लगता है साहब, खांसी और फीवर सर्दी से होती है। क्योंकि ये जो तीन सिम्टम्स हैं, छींक, खांसी और फीवर, किसी बहुत खतरनाक सिम्टम को दिखाते हैं जो आपके आसपास के सारे भीड़ को खत्म कर देंगे। तो आने वाले समय में ये डायलॉग भी आएगा तब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या देखना है, तो प्रॉपर्टी। तो कैंसर के सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अनकंट्रोल ग्रोथ है। पहला बात तो एक ये समझ गए कि अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा। दूसरा कि ज्यादा अगर ग्रोथ होगा तो ये क्या करेगा, तो इन्वेड करके नए जगह पे जाएगा। तीसरी बात, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर का जरूरत इसमें नहीं होगा एंड न्यूक्लियस जो होंगे इसके वो इरेगुलर होंगे और उसमें ग्रेन्यूल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनकंट्रोल ग्रोथ, सेकेंड अनकंट्रोल ग्रोथ इन्वेड न्यू साइट, नो रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर, इसको ग्रोथ फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस बिकम्स इरेगुलर, न्यूक्लियस बिकम्स इरेगुलर एंड बिकम्स इरेगुलर विथ मोर ग्रैन्यूल्स। उसके बाद में मोर लाइसोसोम, लेस माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, एंड मोर मेलानिन एंड मोर मेलानिन डेब्रिस, मेलानिन डेब्रिस या फिर ये आपका मेलानिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके
मतलब प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये हमें पता चलता है कि यह एक कैंसर सेल हो सकता है। अगर ये सारे प्रॉपर्टीज किसी सेल में मिल रहे हैं तो वह इस बात को इंडिकेट करता है, यानी 90% चांसेस बनते हैं कि वह कैंसर सेल है। नॉट ऑलवेज 100% बट 90% इंडिकेट करता है कि वह एक कैंसर सेल है। अब आइए टाइप्स ऑफ हम लोग कैंसर देखेंगे कि कैंसर के क्या क्या कौन कौन से टाइप हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कि कैंसर के सेल हमारे बॉडी के जिस पार्ट या पोजीशन में होते हैं उसके बेसिस पर इसकी हम लोग टाइप को देखेंगे। टाइप्स ऑफ यानी टाइप्स कर लिए हम लोगों ने, इसमें तीन मेजर टाइप्स हम लोगों को देखना है। पहला सार्सिनोमास, दूसरा सार्कोमास एंड तीसरा ल्यूकेमिया। फर्स्ट में देखें सार्सिनोमास। सार्सिनोमास क्या है? तो कैंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल, कैंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल। अब देखो कि ये कैंसर 80% जो टोटल कैंसर होते हैं उसका टोटल कैंसर का 80% जो है वह इसी में आ जाता है। तो जब कैंसर जो है वह हमारे बॉडी के एपिथेलियल पार्ट से जब ओरिजिनेट होंगे या वहां से होंगे उसकी वजह से होंगे तो उसको कहते हैं हम लोग एपिथेलियल ये सार्सिनोमा। और इसमें इंक्लूड होते हैं सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर 80% मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख सकते हैं वो सभी, या फिर ये लंग्स कैंसर भी कह सकते हैं, लंग्स कैंसर तो अबाउट 80% ऑफ ट्यूमर आर सार्सिनोमास। अब एक देखो कि जो स्किन का कैंसर होता है या फिर हमारे ग्लैंड का जो कैंसर होता है इसका एक अलग अलग हम लोगों ने नाम दे रखा है। जैसे ये स्किन के मेलानोसाइट जो होता है उसको कहते हैं मेलानोमास, इसी में इंक्लूड है। या पॉइंट कर देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, कैंसर इन मेलानोसाइट कॉल्ड मेलानोमास। और उसी तरह कैंसर इन ग्लैंड कॉल एडिनोसार्कोमास। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड यानी सार्सिनोमास। सार्सिनोमास के बाद में सार्कोमास। सार्कोमास
सार्कोमास। सार्कोमास हमारे बॉडी की मेजर डर्मल सेल से आता है। एक डिराइव फ्रॉम मेजर डर्मल पार्ट सेल इन दिस इंक्लूड कैंसर इन बोन बोन कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू बोन कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू और लिम्फो साइट लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फॉइड ऑर्गन तो ये सब जगह जो इसमें ये जो है वो इंक्लूड होता है। तो बोन कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू और लिम्फॉइड ऑर्गन टेंडन भी कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू भी है एक एंड टेंडन ये लगभग टोटल का 1% होता है। अब इसमें भी देखेंगे कैंसर इन लिम्फोइड ऑर्गन कॉल्ड लिम्फोमास लिम्फोमास उसी तरह कैंसर इन बोन कॉल्ड ऑस्टेमा ऑस्टेमा फिर कैंसर इन एडिपोज टिश्यू तो उसको कहते हैं लिम्फोमास लिम्फोमास या लिम्फोमास उसको हम लोग आई थिंक लिम्फोमास या लिम्फोमास थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहेगा लिम्फोमास कहते हैं लिम्फोमा ये हो गया लिम्फोमा हो गया लिम्फोइड का और लिम्फोमा ठीक है और लिम्फोमास या लिम्फोमास कैंसर इन लिम्फोमास ही कहते हैं ठीक है ये। अब एक जो एग्जांपल है यहाँ पर लिम्फोमास का जो हॉडजिन डिजीज है इज द एग्जाम्पल ऑफ लिम्फोमास। तो इसका एग्जाम्पल हॉडजिन डिजीज इज द एग्जाम्पल ऑफ लिम्फोमास। अब लास्ट एक देखेंगे हम लोग तीसरा है ल्यूकेमिया सार्सिनोमा सार्कोमास एंड ल्यूकेमिया थर्ड टाइप ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में जो WBC का काउंट है वह बढ़ जाता है तो एबनॉर्मल इंक्रीज इसमें WBC अकाउंट एबनॉर्मली बढ़ जाएगा एबनॉर्मल इंक्रीज
अब नॉर्मल इंक्रीज द काउंट ऑफ अब नॉर्मल इंक्रीज द काउंट ऑफ इंक्रीज द काउंट ऑफ डब्ल्यू बी सी Q2 more WBC form in more marrow और इसको हम लोग commonly called हम लोग कॉमनली कॉल क्या कहते हैं ब्लड कैंसर कहते हैं इसी को हम लोग कॉमनली कौन सा कैंसर कॉमनली कॉल्ड ब्लड कैंसर बहुत मूवी वगैरह में देता है कि ही सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज है फलना है टेकना है तो ये जो है वो उसी का नाम है ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया। जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि कौन से टाइप ऑफ ब्लड का नंबर या काउंट बढ़ जाता है तो याद रखेंगे किसका तो इसमें नंबर बढ़ता है WBC का। अब इसमें कैंसर ऑफ मसल टिश्यू कॉल्ड मायोमा और कैंसर ऑफ ग्लियल सेल उसको क्या कहते हैं ग्लियोमा। तो बस ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के कैंसर को क्या नाम है तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा इससे एमसीक्यू रह सकते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा टाइप्स ऑफ ट्यूमर यानी बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है ये आपको हमेशा याद रखना है दोनों के बीच का डिफरेंस और थोड़ा थोड़ा नाम और उस नाम से रिलेटेड कौन सा कैंसर होता है। जैसे अभी हम बोले आपको कि एडिपोज टिश्यू में कैंसर को क्या कहते हैं या बोन टिश्यू के कैंसर को क्या कहते हैं तो ये नाम और उसके थोड़ा सा ये रिलेटेड ऑर्गन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा तभी आपको इसमें मदद मिलेगी। अब कैंसर की काउज कैंसर के कौन कौन से फैक्टर या काउज फैक्टर कैंसर के तीन फैक्टर होते हैं फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में तो सबसे पहले जो रे होते हैं जैसे एक्सरे कॉस्मिक रे यूवी रे सनलाइट ये जितने ही रे हैं वह फिजिकल फैक्टर हैं। ये फिजिकल फैक्टर क्या करते हैं तो कैंसर काउज कराते हैं तो ये फिजिकल फैक्टर जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है ठीक है। उसके बाद में आइए केमिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर में जो वेरियस केमिकल हैं ठीक है जैसे यूज ऑफ कांगड़ी जानते क्या है कांगड़ी कश्मीर में लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने कपड़े के अंदर एक बड़ा सा ओवर जैकेट टाइप का ओवर फुल कपड़ा पहनेंगे और उसके अंदर एक छोटा सा गर्दन में लटका के एक छोटी सी चूल्हा होगी चूल्हा मतलब कि छोटा सा पॉट और उसमें जलता हुआ कोल जो होगा वह रखा रहेगा उसको अपने हाथ के अंदर इस तरह से रख के बार बार अंदर ही अंदर सेकते रहते हैं
उससे उनको हीट मिलती रहती है जिसके उनको ठंडी कम लगती है क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होता है। तो उस कोल जो यूज करते हैं उस तरफ जलाते हुए उसको कहते हैं हम लोग कांगरी। तो यूज ऑफ कांगरी बाय कश्मीरी। कांगरी बाय कश्मीरी। अब बाकी ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जैसे पेस्टिसाइड, कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल, यूज ऑफ डाई, जो डाई का यूज होता है, फिर स्मोक, इसीलिए तो लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्यों दिखाता है स्मोकिंग का बहुत एडवर्टाइजमेंट देता है क्योंकि इंडिया में सिगरेट का यूज जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। स्मोकिंग को लोग अपने कुछ मॉडर्नाइजेशन का सिंबल मानते हैं, कुछ लोग इसे अपने सोसाइटी के स्टेटस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वेन एवर आई विल यूज सिगरेट आई एम ए इलिट क्लास ऑफ इलिट क्लास इन दिस सोसाइटी। तो दिस इज द वेरी इरिलीवेंट थिंकिंग, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा अपना खुद का जो चाल चलन व्यवहार, डैट मीन्स कि हमारा जो हम्बलनेस, हमारा जो नेचर, हमारा जो बिहेवियर सोसाइटी में हमें उससे रिकॉग्निशन मिलती है, ना कि स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। कभी कभी लोग इसे मॉडर्नाइजेशन का सिंबल मानते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करेंगे एयरपोर्ट पे खास करके स्मोकिंग जोन बना होता है तो लोग जाके बाकायदा उसे यूज करते हैं। बट हम उस सिर्फ 5% चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, बट 95% जो लोग यूज नहीं करते हैं उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे जूस कॉर्नर होते हैं, वहां पे जो लोग जाके जूस पीते हैं तो उसको हम लोग ये नहीं मानते हैं। वो भी एक सोसाइटी सिंबल हो सकता है, वो भी एक हम एलिट क्लास में रख सकता है, वही तो रखता ही है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से, तो इसलिए स्मोकिंग वगैरह जितने भी हैं वो हमारे बॉडी के लिए इंजूरियस ही होते हैं। ठीक है, तो उसका कभी हमें यूज आर्टिफिशियल डाई भी हो गया या आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया जो हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर इटीसी जो भी है। और तीसरा फैक्टर जो है वह है बायोलॉजिकल फैक्टर। देखो, ऐसे तो कैंसर काउजिंग जीन जो होता है वो सभी सेल में होते हैं, ऑल सेल कैरी कैंसर काउजिंग जीन, बट कुछ वायरस हैं जो कैंसर के जीन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो उसको उस वायरस के जीन को हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, तो और ये जो वायरस होते हैं वो एक बायोलॉजिकल एजेंट है, तो कैंसर काउजिंग वायरस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर काउजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक, कैंसर काउजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस एंड द जीन ऑफ this virus is called oncogene of virus। अभी क्या है, all cells carry ऑन्कोजीन। ये जो भी सेल है अभी वो सभी सेल जो है वो कैरी करते हैं जो कैंसर काउजिंग होते हैं। ऑन्कोजीन का मतलब ही है
विच आर कैंसर काउजिंग। कैंसर काउजिंग, तो ये कैंसर काउजिंग जीन जो है अभी वो सभी कैरी करते हैं। अब देखो कैंसर के डायग्नोज, कैंसर कैसे पता चलता है, कैंसर का डायग्नोज, कैंसर का डायग्नोज जो है वह कैसे पता चलता है, तो या तो हम इसका एक्सरे लेते हैं, फिर इसका MRI भी करवा सकते हैं, कराते ही हैं। एक होता है बायोप्सी, यानी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। जैसे हम सेल को लेंगे, उसको स्टेनिंग करके, स्टेन करके और उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जैसे हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कैंसर सेल की, कि लाइसोसोम ज्यादा होता है, न्यूक्लियस इरेगुलर होता है और साथ ही साथ वो उसमें विथ ग्रेन्यूल्स होगा, मेलानिन ज्यादा होगा। तो ये सब अगर एग्जामिनेशन करने में प्रॉपर्टीज मिलती है तो ये कंफर्म करता है कि यह कैंसर का सेल है। तो ये कैसे होता है, क्या है उसका एक प्रोसीज्योर बना हुआ है। जब किसी बॉडी के ऑर्गन में, मान लो कि यहाँ पर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो गया, सर्जरी करके डॉक्टर उसे निकालेगा, रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद में उस पार्ट का बायोप्सी के लिए भेज देगा, चेक कराएगा कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है। अब वहां पर एक छोटा सा वो जो पार्ट और टिश्यू जो ड्यूरिंग द सर्जरी है उसको निकाल के दे देगा। जब देखेगा तो एग्जामिनेशन कराएगा तब पता चलेगा। एग्जामिनेशन यानी जो डायग्नोज करने वाले जो सेंटर है, बायोप्सी सेंटर होते हैं, वो उस पार्ट के टिश्यू को, छोटा सा टिश्यू को लेकर के और उसको स्टेन करके और उसको मोम में फिक्स करके स्मॉल पीस काट के और माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं उसके सेल का। तो जब स्टडी होता है तो पता चलता है कि हाँ इसमें क्या क्या इरेगुलरिटी है, तो उसी को कहते हैं हम लोग बायोप्सी। एक होता है मैमोग्राफी, यानी ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो मैमोग्राफी का भी हम लोग बहुत ज्यादा इसमें यूज करते हैं। वेरियस ब्लड टेस्ट भी हैं बहुत सारे, मेमोग्राफी, साथ ही साथ इसमें एक एम्स टेस्ट होता है। एम्स टेस्ट मतलब वो कार्सिनोजेन के लिए ही होता है, और एक पेट टेस्ट होता है। एम्स टेस्ट और फिर एक होता है पेस टेस्ट में स्टेनिंग ऑफ, स्टेनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये सब जो है वो डायग्नोज है किसके, तो कैंसर को, यानी कैंसर का पता करने के लिए हम लोग ये सब डायग्नोज जो है वो करते हैं। अब देखिए कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसका। सबसे पहले तो अगर पॉसिबिलिटी है तो सर्जरी करते हैं, यानी जो भी आउटग्रोथ पार्ट है उसको रिमूव कर देना। तो इसमें रिमूवल ऑफ ट्यूमर बाय सर्जरी हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग यूज करते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमो का मतलब केमिकल, तो थेरेपी बाय केमिकल। तो कुछ ऐसे ड्रग हैं, जिडोविडीन है, ये सब ऐसे ड्रग है, या विनब्लास्टीन, ये सब ड्रग जो है, विनब्लास्टीन
एक टॉक्सिक कंपोनेंट है जो अपनी टॉक्सिसिटी को कैंसर सेल के ऊपर बढ़ा देता है। और ये विनब्लास्टिन ड्रग जो है वो हम लोग कहां से आइसोलेट करते हैं, तो कैमरेंथस रोसस करके एक स्पेसीज है, वहां से हम लोग विनब्लास्टिन को आइसोलेट करते हैं और उससे तैयार करते हैं कैंसर के लिए ड्रग, जो कैंसर सेल के लिए ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को भी टॉक्सिसिटी करता है लेकिन कम, और जो कैंसर सेल होंगे उसको ज्यादा, उसके लिए ज्यादा टॉक्सिक हो, यानी कैंसर के सेल उससे ज्यादा मरेंगे। तो केमियोथेरेपी एक साइक्लिक मैनर में चलाया जाता है, एक महीने पे, हर एक महीने पे या हर 15 दिन पे, वो डिपेंड करता है बॉडी के या टाइप ऑफ कैंसर पे। तो इसमें केमोथेरेपी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, जिसके लिए तो वह कैंसर के लिए, तो इसमें कुछ कैंसर के लिए जो ड्रग है, जैसे हम क्या बताएं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन आर ड्रग ड्रग यूज बोथ आर आइसोलेट फ्रॉम कैमरेंथस रोसस, कैमरेंथस रोसस। These chemical are more toxic for cancer cell than normal cell। तो नॉर्मल सेल पे इफेक्ट कम होगा और जो कैंसर के सेल होंगे उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो सर्जरी के बाद केमोथेरेपी, और केमोथेरेपी के बाद में देखिए रेडिएशन, जो पार्टिकुलर जो कैंसर के सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, डिस्ट्रॉय दी कैंसरस ट्यूमर बाई रेडिएशन। इसमें हम लोग कोबाल्ट, रेडॉन या आयोडीन आर यूज फॉर रेडिएशन, क्योंकि ये दोनों रेडियो आइसोटोप्स हैं, तो रेडिएशन के थ्रू हम लोग अच्छा ये हो चुका होगा आपका कैंसर ऑफ डायग्नोज में एक आपको मोनो क्लोनल एंटीबॉडी भी लिख सकते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो भी यूज होता है। क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप जानते हैं, तो ये रेडिएशन केमो, पहले सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडिएशन, उसके बाद में एक लास्ट इम्यूनोथेरेपी का भी यूज करते हैं। एक हम लोग इम्यूनोथेरेपी का भी यूज करते हैं, यूज मतलब ये भी यूज होता है इम्यूनोथेरेपी। तो इस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट जो हम लोग ये करते हैं, इसमें इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, तो अल्फा
इंटरफेरॉन यूज। इंटरफेरॉन आप जानते हैं कि नजदीकी जो सेल होगा उसमें वायरल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटरफेरॉन का भी यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी में। तो इस तरह से कॉम्प्लीट कैंसर का ये ट्रीटमेंट हो गया, हमारा कैंसर यहाँ तक में कंप्लीट हो गया और इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट जो है वह कंप्लीट हो गया। इसके बाद का टॉपिक हम लोग को देखना है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज और एडिक्शन, ठीक है। तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो कैंसर तक के पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ओके।